पेपर लीक प्रयागराज तक पहुंची जांच की आज। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार पुलिस ने प्रयागराज में की छापेमारी, डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी। तो एमबीबीएस छात्र ऋषभ उर्फ राज पांडे की तलाश में ये छापेमारी की जा रही। नैनी के अक्षय भट्ट कृष्णा के अस्पताल में भी पूछताछ। तो राज पांडे और उसके पिता के बारे में जानकारी जुटाई गई है। डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से दिलाई थी परीक्षा। तो बेटे की जगह जोधपुर एम्स के छात्र की फोटो लगाई गई थी। आवेदन से पहले ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में था डॉक्टर। तो डॉक्टर के बेटे का एग्जाम सेंटर बिहार के मुजफ्फरपुर में था। परीक्षा के दौरान सॉल्वर हुक्मराम को अरेस्ट किया गया था। तो हुक्मराम फरार आरोपी डॉक्टर का नाम है पी पांडे। मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर बाड़मेर में भी छापेमारी कर चुकी है। सॉल्वर हुक्मराम बाड़मेर का ही रहने वाला है। तो नीट पेपर लीक मामले पर लगातार कार्रवाई की जो गाज है वो यहां पर गिरती नजर आ रही है। और अब ये जांच की जो आंच है वो प्रयागराज तक जा पहुंची है। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्र ऋषभ उर्फ राज पांडे की तलाश में छापेमारी की गई है। नैनी के अक्षय भट्ट कर्चना के अस्पताल में पूछताछ और राज पांडे और उसके पिता के बारे में जानकारी जुटाई गई है। तो बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। ये वो बता रहे जहां पर ये छापेमार कार्रवाई हुई। डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलवाई थी, जिसका खुलासा होने के बाद अब लगातार जानकारी डॉक्टर और उसके बेटे के खिलाफ जुटाई जा रही है। तो बेटे की जगह जोधपुर एम्स के छात्र की फोटो लगाई थी। आवेदन से पहले ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में ये डॉक्टर था। डॉक्टर के बेटे का एग्जाम सेंटर बिहार के मुजफ्फरपुर में था, जहां पर ये परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान सॉल्वर हुक्मराम को अरेस्ट किया गया था। फरार आरोपी डॉक्टर का नाम पी पांडे है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जोधपुर बाड़मेर में भी छापेमारी की है। संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, लगातार नीट परीक्षा को लेकर जांच जारी है और अब प्रयागराज तक की जांच की आज की अपडेट। जी देखिए, बिहार से आई पुलिस ने प्रयागराज के नैनी इलाके में एक हॉस्पिटल है, अक्षय भट्ट हॉस्पिटल, जिसके मालिक आरपी पांडे हैं और उनके बेटे का नाम राज पांडे है, उनकी तलाश में छापेमारी की थी और अस्पताल भी पुलिस पहुंची थी। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था कि आरपी पांडे के बेटे हुक्मराम की जगह कोई लड़का, जो राज पांडे की जगह हुक्मराम नाम का एक छात्र है एमबीबीएस का, वो परीक्षा दे रहा था और उसको 4 लाख रुपए दिए गए थे उसके स्थान पर परीक्षा देने के लिए। फोटो मिक्सिंग कराई जाती है, जो गैंग है वो फोटो दोनों छात्रों की कुछ उसमें मिक्सिंग करा लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं और उसके बाद जो है उसको परीक्षा दिलाई गई थी। और उसके बाद जो है जब हुक्मराम को पकड़ा गया तो ये पूरी बात का खुलासा हुआ। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने हुक्मराम को छोड़ दिया।